नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। शुरुआत करते हैं खबरों की। नीति आयोग के सदस्य वीके सारस्वत ने कहा है कि भारत ने कोविड-19 की दूसरी लहर का सामना काफी अच्छी तरह से किया है और इसलिए संक्रमण के नए मामलों की संख्या में काफी कमी आई है। साथ ही उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि तीसरी लहर से निपटने के लिए भी तैयारियां पूरी होनी चाहिए, जिससे कि युवा आबादी के अधिक प्रभावित होने की आशंका है। तो चलिए जानते हैं वीके सारस्वत ने और क्या कुछ कहा है। नीति आयोग के सदस्य वीके सारस्वत ने कहा है कि भारत ने कोविड-19 की दूसरी लहर का सामना काफी अच्छी तरह से किया और इसीलिए संक्रमण के नए मामलों की संख्या में काफी कमी आई है। और साथ ही उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि तीसरी लहर से निपटने के लिए भी तैयारियां पूरी होनी चाहिए, जिससे युवा आबादी के अधिक प्रभावित होने की आशंका है। सारस्वत ने कहा कि भारत के महामारी विशेषज्ञों ने बहुत स्पष्ट संकेत दिए हैं कि कोविड-19 की तीसरी लहर अपरिहार्य है और इसके सितंबर अक्टूबर से शुरू होने की आशंका है, इसीलिए देश को अधिक से अधिक लोगों का टीकाकरण करना चाहिए। सारस्वत ने कहा कि हमने कोविड-19 की दूसरी लहर का अच्छी तरह से सामना किया और ये उसी का परिणाम है कि संक्रमण के नए मामले काफी कम हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी गतिविधियों की मदद, ऑक्सीजन बैंक का बनना, बड़ी संख्या में ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए उद्योग स्थापित कर महामारी से निपटने में कामयाब रहे। रेलवे, हवाई अड्डों, सैन्य बल का इस्तेमाल तरल ऑक्सीजन को ले जाने के लिए किया जा रहा है। देश में पहले 4,00,000 से अधिक रोजाना मामले सामने आ रहे थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों में संक्रमण के नए मामलों की संख्या गिरकर लगभग 1.3 लाख पर आ गई है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 वैश्विक महामारी की पहली लहर के दौरान भारत का प्रबंधन अच्छा था और उसने देश को वैश्विक महामारी की दूसरी लहर को नियंत्रित करने का आत्मविश्वास भी दिया। हमारा कोविड-19 की दूसरी लहर से निपटने का प्रबंधन शानदार था, जिसे हम आपातकालीन प्रबंधन कहते हैं। बढ़ते हैं रिपोर्ट की ओर। नासा के परसिवियंस ने लाल ग्रह पर अपनी सेंचुरी पूरी कर ली है। अपने 100 दिनों के कार्यकाल में रोवर ने मंगल ग्रह के राज खोलने वाली हैरतअंगेज तस्वीरें भेज चुके हैं और रोवर को मंगल ग्रह की सतह पर उतरते हुए 100 दिन हो चुके हैं। तो चलिए परसिवियंस के मंगल ग्रह पर 100 दिन पूरे होने पर हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। नासा के परसिवियरेंस ने लाल ग्रह पर अपनी सेंचुरी पूरी कर ली है। अपने 100 दिनों के कार्यकाल में रोवर मंगल ग्रह के राज खोलने वाली हैरतअंगेज तस्वीरें भेज चुका है। रोवर को मंगल ग्रह की सतह पर उतरे हुए 100 दिन हो चुके हैं। वर्तमान में रोवर लाल ग्रह पर जीवन की तलाश कर रहा है। बता दें कि नासा के इस रोवर ने 18 फरवरी को मंगल ग्रह की सतह पर लैंडिंग की थी। इसके बाद इसने कई शानदार तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद किया है। गौरतलब है कि अपने इस संक्षिप्त कार्यकाल में नासा का परसिवियरेंस रोवर मंगल ग्रह से चौंकाने वाली तस्वीरें भेज चुका है। उसकी मेमोरी में बहुत सारा डेटा एकत्र है, जिसे वो धीरे धीरे धरती पर भेज रहा है। नासा ने कहा है कि वो आने वाले दिनों में और भी कई तस्वीरें जारी करेगा। इन तस्वीरों में रोवर के मंगल ग्रह पर उतरने की छोटी सी मूवी शामिल है। खास बातें है कि मूवी में साउंड भी होगा। नासा के वैज्ञानिकों का कहना है कि इस तस्वीर में परसिवियरेंस नीचे की ओर झुका हुआ है और मंगल की सतह की ओर जा रहा है। ये दृश्य अंतरिक्ष की खोज के इतिहास में एक अहम तस्वीर बन चुका है। नासा ने कहा है कि परसिवियरेंस ठीक स्थिति में है और वो इसके सिस्टम को काम करने के निर्देश दे रहे हैं। परसिवियरेंस रोवर ने 30 मार्च 2021 को पहली बार लाल ग्रह पर तस्वीर को खींचा था। मंगल ग्रह तक पहुंचने के लिए रोवर ने 0.5 अरब किलोमीटर की दूरी तय की थी। रोवर मंगल पर मानव जीवन के निशानों की खोज करेगा। इसके साथ ये 1,00,000 साल पुरानी सूख चुकी झील की जमीन की जांच करने के साथ अरबों साल पहले मंगल ग्रह पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की किसी भी गतिविधि यानी जीवन के होने के चिन्हों की जांच करेगा। बता दें कि नासा के परसिवियरेंस रोवर के साथ मंगल ग्रह पर गए इंजेन्यूटी हेलीकॉप्टर पहली कंट्रोल फ्लाइट है।
इसे इसकी पहली उड़ान के लिए मंगल ग्रह की सतह पर ड्रॉप किया गया है। इससे पहले वो अब तक रोवर से जुड़कर चार्ज हो रहा था। बता दें कि ये पहला अवसर होगा कि जब कोई हेलीकॉप्टर मंगल की सतह से उड़ेगा और कैमरे में उसका नजारा कैद करेगा। 8 फरवरी को इसने पहली उड़ान भरी थी। 22 अप्रैल 2021 को हेलीकॉप्टर ने मंगल की सतह पर अपनी दूसरी उड़ान भरी। इस दौरान हेलीकॉप्टर ने हवा में ही एक कलर तस्वीर को खींचा। तस्वीर में रोवर के चलने के निशान और इसकी परछाई को देखा जा सकता था। इसके बाद हेलीकॉप्टर ने अपनी तीसरी उड़ान में रोवर की तस्वीर को कैमरे में कैद किया। तीसरी उड़ान में हेलीकॉप्टर रोवर से 85 मीटर दूर और 5 मीटर ऊंचाई पर पहुंचा था। हेलीकॉप्टर ने 7 मई को मंगल की सतह पर अपनी 5वीं उड़ान भरी। इस दौरान ये 10 मीटर की ऊंचाई तक उड़ा। वह यूनिवर्स में होने वाली घटनाओं को लेकर आए दिन हैरान कर देने वाली जानकारी सामने आती है, जिन्हें जानकर हर कोई हैरान रह जाता है। लेकिन अब जो खबर सामने आई है वो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है। यूनिवर्स में एक बड़ी घटना हुई है और वह कैमरे में कैद भी हो गई है। पृथ्वी से 1 अरब प्रकाश वर्ष की दूरी पर गामा रेज विस्फोट हुआ है। इसे अब तक का सबसे बड़ा विस्फोट कहा जा रहा है। तो चलिए जानते हैं अंतरिक्ष में ये विस्फोट के पीछे किस क्या वजह है। यूनिवर्स में होने वाली घटनाओं को लेकर आए दिन हैरान कर देने वाली जानकारी सामने आती है, जिन्हें जानकर हर कोई हैरान हो जाता है। लेकिन अब जो खबर आई है वो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है। यूनिवर्स में एक बड़ी घटना हुई है और वो कैमरे में भी कैद हो गई है। पृथ्वी से 1 अरब प्रकाश वर्ष की दूरी पर गामा रे विस्फोट हुआ है। इसे अब तक का सबसे बड़ा विस्फोट कहा जा रहा है। विस्फोट को चमकीली एक्सरे और गामा रे का कॉम्बिनेशन बताया जा रहा है। जर्मनी के हैम्बर्ग के जर्मन इलेक्ट्रॉन सिंक्रोटोन के विशेषज्ञों ने इसके पीछे की छिपी वजह भी बताई है। उन्होंने कहा है कि ये घटना एक तारे की मौत के बाद हुई है, जो बाद में ब्लैक होल में परिवर्तित होने लगा था। उसी समय घटना कैमरे में कैद हो गई। ये घटना नामीबिया के वैज्ञानिकों ने हाई एनर्जी वाले स्टीरियो स्कोपिक सिस्टम टेलीस्कोप की सहायता से कैप्चर किया है। तस्वीर को लेने के लिए अंतरिक्ष में मौजूद फर्मी और स्विफ्ट टेलीस्कोप का इस्तेमाल किया गया है। बेशक यह विस्फोट पृथ्वी से करोड़ों वर्ष की दूरी पर हुआ है, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि यह पृथ्वी के सबसे करीब होने वाला पहला विस्फोट है। इस घटना को लेकर जर्मन इलेक्ट्रॉन सिंक्रोटोन के वैज्ञानिक डॉक्टर एंड्रयू टेलर ने बताया है कि ये गामा रे आने वाले कई दिन तक ऐसे ही दिखाई देती रहेगी। तो वहीं इस बारे में वैज्ञानिक सिल्विया जुहू ने बताया है कि ये तारा तेजी से घूम रहा था। इसके बाद जब इसकी मौत हुई यानी ये नष्ट हुआ, तो यूनिवर्स का सबसे बड़ा विस्फोट कैप्चर कर लिया गया। जुहू के अनुसार विस्फोट से होने वाले उत्सर्जन को 2 अलग चरणों में विभाजित किया गया है। इसमें पहला चरण वो होता है जो महज कुछ सेकंड तक ही चलता है, जबकि दूसरा चरण लंबा चलता है। इसमें आफ्टर ग्लो देखने को भी मिलता है। खगोलविदों का मानना है इनमें से कुछ विस्फोट तब होते हैं जब हमारे सूर्य के द्रव्यमान के 5 या 10 गुना बड़े विशाल तारे में विस्फोट होता है। फिर वो अचानक ब्लैक होल में बदल जाता है। ऐसा तब भी होता है जब 2 न्यूट्रॉन स्टार आपस में टकराते हैं और ब्लैक होल में बदल जाते हैं। एंड्रयू टेलर ने कहा है कि हम वाकई में तब यहीं पर बैठे हुए थे जब गामा रे विस्फोट हुआ। उन्होंने कहा कि इनमें होने वाली विस्फोट की बहुतायत हमें इस मामले में प्रेरणा देती है कि भविष्य में ये हाई एनर्जी बैंड काफी सामान्य हो जाएंगे, जिससे हमें इनकी भौतिकी संरचना को समझने में काफी मदद मिल सकती है। भारतीय नौसेना हिंद महासागर में चीन और पाकिस्तान से बढ़ते खतरे के बीच MQ-1 प्रेडिक्टर ड्रोन की 30 यूनिट खरीदने का मन बना रही है। घातक मिसाइलों से लैस ये ड्रोन लंबे समय तक समुद्र में निगरानी कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं MQ-1 प्रेडिक्टर ड्रोन की क्या खासियत है।
भारतीय नौसेना हिंद महासागर में चीन और पाकिस्तान से बढ़ते खतरे के बीच MQ-1 प्रीडेटर ड्रोन की 30 यूनिट खरीदने का मन बना रही है। घातक मिसाइलों से लैस ये ड्रोन लंबे समय तक समुद्र में निगरानी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, जरूरत पड़ने पर इसमें लगी मिसाइलें दुश्मनों के जहाजों या ठिकानों को भी निशाना बना सकती हैं। इस ड्रोन को प्रीडेटर सी एवेंजर या RQ-1 के नाम से भी जाना जाता है। चीन के विंगलोंग ड्रोन 2 के हमला करने की ताकत को देखते हुए नौसेना को ऐसे खतरनाक ड्रोन की काफी जरूरत महसूस हो रही है। प्रीडेटर सी एवेंजर में टर्बोफैन इंजन और स्टील एयरक्राफ्ट के फीचर हैं, जो अपने टारगेट पर सटीक निशाना लगाता है। भारतीय सेना अभी इसराइल से खरीदे गए ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन अमेरिका के प्रीडेटर ड्रोन फाइटर जेट की रफ्तार से उड़ते हैं। इन ड्रोन्स के मिलने के बाद भारत न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चीन पर भी आसानी से नजर रख सकेगा। सर्विलांस सिस्टम के मामले में भारत इन दोनों देशों से काफी आगे निकल जाएगा। नया प्रीडेटर अपने बेस से उड़ने के बाद 1800 मील तक उड़ सकता है, मतलब अगर उसे मध्य भारत के किसी एयरबेस से ऑपरेट किया जाए तो वो जम्मू कश्मीर में चीन और पाकिस्तान की सीमा तक निगहबानी कर सकता है। ये ड्रोन 50,000 फीट की ऊंचाई पर 35 घंटे तक उड़ान भरने में सक्षम है। इसके अलावा यह ड्रोन 6,500 पाउंड का पेलोड लेकर उड़ सकता है। इस ड्रोन को अमेरिकी कंपनी जर्नल एटॉमिक्स एयरोनॉटिकल सिस्टम्स ने बनाया है। इसमें 115 हॉर्स पावर की ताकत प्रदान करने वाला टर्बोफैन इंजन लगा हुआ है। 8.22 मीटर लंबे और 2.1 मीटर ऊंचे इस ड्रोन के पंखों की ऊंचाई 16.8 मीटर है। 100 गैलन तक की फ्यूल कैपेसिटी होने के कारण इस ड्रोन का फ्लाइट इंड्योरेंस भी काफी ज्यादा है। ये ड्रोन 204 किलोग्राम की मिसाइलों को लेकर भी उड़ान भर सकता है। 25,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर उड़ने के कारण दुश्मन इस ड्रोन को आसानी से पकड़ नहीं पाते हैं। इसमें 2 लेजर गाइडेड AGM 114 हेलफायर मिसाइलें भी लगाई जा सकती हैं। इसे ऑपरेट करने के लिए 2 लोगों की जरूरत होती है, जिसमें एक पायलट और दूसरा सेंसर ऑपरेटर होता है। अमेरिका के पास ये ड्रोन 150 की संख्या में उपलब्ध है। कई सालों की मशक्कत और बातचीत के बाद आखिरकार G7 देश मिनिमम ग्लोबल कॉर्पोरेशन टैक्स रेट को न्यूनतम 15% रखने पर सहमत हो गए हैं। ग्लोबल टैक्स सिस्टम से सुधार के लिए दुनिया के सबसे विकसित 7 देशों के ग्रुप G7 के जीत बीच ग्लोबल कॉर्पोरेट टैक्स को लेकर हुई ये सहमति ऐतिहासिक बताई जा रही है। तो चलिए जानते हैं G7 देशों के बीच और किन किन समझौतों को लेकर सहमति बनी है। कई सालों की मशक्कत और बातचीत के बाद आखिरकार G7 देश मिनिमम ग्लोबल कॉर्पोरेशन टैक्स रेट को न्यूनतम 15% रखने पर सहमत हो गए हैं। ग्लोबल टैक्स सिस्टम से सुधार के लिए दुनिया के सबसे विकसित 7 देशों ग्रुप G7 के बीच ग्लोबल कॉर्पोरेट टैक्स को लेकर ये सहमति ऐतिहासिक बताई जा रही है। समझौते के मुताबिक ग्लोबल कॉर्पोरेट टैक्स कम से कम 15% होगा। साथ ही टैक्स का भुगतान जिस देश में व्यापार किया जा रहा है वहां करना होगा। ये समझौता G7 देशों के लिए काफी अहम है, क्योंकि अभी दुनिया की दिग्गज कंपनियां नियमों में ट्रांसपेरेंसी नहीं होने के कारण टैक्सेशन क्लियर नहीं होने का फायदा उठाती है, जिससे सरकारों को टैक्स का भारी नुकसान होता है। ब्रिटेन के वित्त मंत्री ऋषि सुनक ने कहा है कि G7 देशों की मिनिमम ग्लोबल कॉर्पोरेशन टैक्स पर सहमति बनने से ग्लोबल टैक्स सिस्टम ग्लोबल डिजिटल एज के लिए फिट हो जाएगा। ये समझौता अगले महीने होने वाले ग्लोबल पैक्ट का बेस बन सकता है। अभी दुनिया के तमाम देश बड़ी कंपनियों को आकर्षित करने के लिए कॉर्पोरेट टैक्स को काफी कम रखते हैं, साथ ही बड़ी कंपनियों को टैक्स में कई छूट देते हैं, जिससे इन देशों पर करोड़ों डॉलर का वित्तीय बोझ बढ़ जाता है। लेकिन अगर ये सहमति ग्लोबल पैक्ट का हिस्सा बनती है तो कंपनियों को कम से कम 15% कॉर्पोरेट टैक्स देना होगा। लेकिन इस समझौते का ग्लोबल पैक्ट का आधार बनना मुश्किल है, क्योंकि ऐसे में कंपनियां विकासशील और गरीब देशों की तरफ रुख नहीं करेंगी। दरअसल विकसित देशों को गूगल, अमेज़न,
फेसबुक जैसी बड़ी कंपनियों से बहुत ही कम टैक्स मिलता है, इसीलिए G7 देशों ने ये समझौता किया है। G7 देशों में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल है। फिलहाल इतना ही। देश की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्राइम।